आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वर्णकार समाज के द्वारा अजमेर की नींव रखने वाले अजमेर देव महाराज की जयंती मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर, जिसका प्राचीन नाम अजमेरू था, शहर बसाकर मेवाड़ की नींव रखने वाले महाराजा अजमेर जी मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज अजमेर देव ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अत्री महाराज की 28वीं पीढ़ी के त्रेता युग में जन्मे थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समकालीन माने जाते हैं। महाराजा अजमेर के पिता श्री हस्ती थे, जिन्होंने महाभारत काल में वर्णित हस्तिनापुर नगर को बसाया। महाराज अजमेर देव की जयंती शिव की नगरी में स्वर्णकार समाज के सदस्यों के द्वारा बहुत धूमधाम से परंपरागत उत्साह के साथ मनाई गई। अजमेर देव ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर राजगद्दी के उत्तराधिकारी हुए और बाद में अजमेर जी प्रतिष्ठापुर प्रयाग एवं हस्तिनापुर दोनों राज्यों के वे सम्राट भी हुए। प्रारंभ में चंद्रवंशियों की राजधानी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर में ही थी। हस्तिनापुर बसाए जाने के बाद प्रमुख राजगद्दी हस्तिनापुर हो गई। इतिहासकारों का अनुमान है कि ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 2200 तक उनका कार्यकाल रहा। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ आप देखिए स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष किशोर सोनी का क्या कहना है, आइए हम बताते हैं। इस तरह आपने सुना के जिला स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष किशोर सोनी के द्वारा क्या कहा गया। अजमेर देव महाराज हस्ती के जीवन काल की प्रमुख घटना यही मानी जाती कि उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण कराया। प्राचीन समय में हस्तिनापुर न केवल तीर्थ स्थल बल्कि देश का प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा। कालांतर में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी रहा, जिसके लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र में एक युद्ध भी हुआ था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सुनाते हैं, आरती यहाँ हो रही है महाराज की। Yeah.
शिव की नगरी में महाराज की आरती। और ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अजमेर देव जी धर्म कर्म पर विश्वास रखते थे और उन्होंने खिलौने तथा आभूषण बनाने का बेहद शौक था। इसी शौक के चलते वे अनेक प्रकार के खिलौने, बर्तन और आभूषण बनाकर प्रियजनों को भेंट किया करते थे। उनके इसी शौक को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाकर व्यवसाय के रूप में अपना लिया। तब से स्वर्णकार के रूप में लोग पहचाने जाने लगे और आज तक आभूषण बनाने का कार्य उन्हीं के वंशजों द्वारा किया जाता है। जिस तरीके की मान्यता है, आज अजमेर देव एक महान क्षत्रिय पराक्रमी राजा के रूप में मान्यते। शरद पूर्णिमा अश्विन शुक्ला के दिन मैण क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा आदि पुरुष अजमेर देव जी की जयंती मनाने की परंपरा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।